Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेलो शिवी, उठ जा उठ जा उठ जा, दिन भर सोती है, काम वाम करना नहीं है तेरे को। देखो हेलो गाइस, मैं तो शिवी गंदा किया है तुझे। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? पहली बार नहा के बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। अबे आज इधर मैं नहाता हूं, ठीक है? ये अपने ना गोरे रंग का फायदा उठाता है, ये चार चार दिन नहीं नहाता है, पर फिर भी जो नहाए होते हैं उनसे भी ज्यादा नहाया हुआ लगता है, कृष्णा भाई है जो हम लोग साथ में एडिटिंग वगैरह करते हैं। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ये हमारे बगल में बैठते हैं। तो कृष्णा भाई क्या कहना है 10 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में? तो भाई मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ जो सीखने की चीज़ें थी उस चीज़ सीखने की भी मिली, और कुछ चीज़ें शायद आप मेरे को देखकर आप लोग भी मुझसे सीखे ही होंगे। हाँ बहुत कुछ ऐसे ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं से छोटी छोटी चीज़ें सीखने को ही मिलती है, चाहे वो घर से हो चाहे बाहर से हो, मेरा तो यही कहना है। और बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके, और आप लोगों को हमेशा याद करूँगा। और यहाँ का क्वालिटी वीडियो के हिसाब से क्या लगता है आपको? देखो आप लोगों को तो मिलती थी DSLR वीडियो, तो वो बेस्ट होती थी, और जो मेरे को मिलती थी चीप वीडियो लाइक 3GP वगैरह वगैरह फोन के कैमरे से, ऐसा लगता था जैसे कि कोई एंड्रॉइड। ये पूरे 10 दिन मैंने जहाँ तक देखा है ये वीडियोस की क्वालिटी को लेकर पूरे परेशान रहे, और ये तो काम करके जब देते थे तो उसके बाद फिर ये काम का जो अप्रूवल मिलता था वो ये नहीं करो वो करो, ये नहीं करो वो करो, मैंने इतना ही देखा है इनको। मतलब मेरे ऊपर ना थोड़ा लोड रहता ही था, कभी कुछ ना कुछ कोई तरह, जैसे अब मैं काम कर रहा हूँ फोटोशॉप या कुछ भी कर रहा हूँ, तो एक बंदा आएगा कहेगा भाई प्रिंटर निकाल दियो, भाई फोटो कॉपी कर दियो, अरे मैं यहाँ काम करने बैठा हूँ तुम्हारे प्रिंटर निकालने बैठा हूँ। बट ओवरऑल बताओ तो काम करके 10 दिन में बहुत अच्छा लगा, बाकी अच्छा लगा। हमारे साथ है अनिकेत भाई, तो ये मेरे बारे में बताएंगे क्या सारा एक्सपीरियंस। तो बताओ अनिकेत भाई। रितेश भाई अच्छे इंसान है, इनके साथ तो ज़्यादा काम नहीं हुआ लेकिन मिल के खुशी हुई इनसे, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, फील्ड में कभी कभी आते हैं और बीच में चले जाते हैं। बहुत मेहनती इंसान है, दिन भर काम करते फिर ही मरी रहती है। जो हमारे ये 10 दिन का टाइम पीरियड रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्त रहा, याद तो जरूर आएगा। हमारी मैडम आ चुकी है जो कि आस्था है, और ये एग्ज़ाम देने गई थी। तो मैम कैसा रहा 10 दिन का एक्सपीरियंस यहाँ पे? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट डे थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते गए और एक फैमिली बनती गई, और अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो रितेश भाई है ना, ये जो ब्लॉग बना रहे हैं, मैं इनके बारे में एक चीज़ बताती हूँ, ये रितेश बहुत अच्छा लड़का है, मेरी बहुत हेल्प करता है। कल रात को उसने मुझे लोगो निकाल के दिया, जब सबने मना कर दिया तब इसने मुझे लोगो निकाल के दिया, तो इसने लोगो निकाला इसलिए मुझे इस लोग पर भरोसा है। सही बोला मैंने रितेश, हाँ, और ये प्रेम नगर गए थे ना तो इनको इतना प्यार मिला है ना प्रेम नगर में, जिसकी कोई हद नहीं है। प्रेम नगर एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे सब कह रहे थे ए रितेश आना रितेश। तो क्या कहना है इस 10 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में? यार देखो मजा से हट के, मजा तो बड़ा आया, लेकिन इस आदमी के बारे में एक चीज, हर औरत पे इसने लाइन मारी। यहाँ पे सारी बालिकाओं पे इसने लाइन मारी है, ऐसी लाइन मारी है कि आधी इससे फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, आधी कह रही है कब जाएगा, जो कि भाई मेरा कल जा रहा है, फिर भी अरे अब हमको दुखी लग रहा है कि यार क्यों जा रहा है यार, एक आध हफ्ते और रुकते, मस्ती मजाक करके जाते। तो मेरे पास और फ्रेंड है साधना, तो ये बताएगी 10 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो साधना। हेलो गाइस, ये हमारे सीनियर हैं, मैं इनके बारे में बहुत जानती तो नहीं, पर हमने अभी साथ में काम किया है बहुत दिन तक, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अभी आज जाने वाले हैं तो मैं। और क्या लगता है अगर आगे हम लोग मिले तो कुछ साथ में काम कर सकते हैं, अगर किसी न्यूज चैनल में साथ में आ गए तो? जरूर करेंगे। और तुम्हारा खुद का एक न्यूज चैनल भी है? साधना न्यूज चैनल, जो कि बहुत घटिया है और मेरा नहीं है, बस ऐसा बना के रखा है लोगों ने।
तो हमारे साथ निशान भाई जो काम के आधे में हमने ज्वाइन किया, बट बहुत अच्छा बंदा है ऑनेस्टली। अब ये हमें बताएंगे कि हमारे साथ एक काम करके इनको कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस। भाई सारे लोग यहाँ अच्छे हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, हम सबसे मिलके हमको खुशी हुई, आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे हम। ये भाई भी दिल्ली गए, तो दिल्ली के बारे में कुछ ऐसा डायलॉग्स वगैरह बताओ जो मतलब तड़का लगा दे। दिल्ली से हैं बहन जो और जब भी आप दिल्ली आते हो तो इन भाई निशान भाई को कांटेक्ट करो, अगर नंबर चाहिए तो मेरे से ले लो, कमेंट करो, नंबर दूंगा, पूरी दिल्ली आपको घुमाएंगे। दिल्ली गोवा हम घुमा देंगे, ऐसी तुम्हें हरियाणा भी, हरियाणा दिल्ली गोवा सब मस्त घुमाएंगे। तो अब मैं यूनिवर्सल दीदी से मिलवा जो सबकी दीदी है, ये अपरा, अपरा दीदी, तो क्या कहना है हमारा 10 दिन का एक्सपीरियंस। 10 दिन का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बस गांड बनाई हुई है हर तरफ से, ऑफिस में, किचन में, रूम में, सुबह ब्रेड पकौड़ा हर तरह से खिलाया गया, मतलब ब्रेड पकौड़ा और जो दोपहर में खाया वही रात में खाया है अलग अलग तरीकों से, एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। आगे चल के नान खाना है कभी? नान खाना है, ना ब्रेड पकौड़ा खाना, ना मिस्सी रोटी खानी है, और ना मटर पनीर मिक्स वेज आलू की सब्जी रायता लड्डू कुछ नहीं। घर जाने के बाद 4 दिन तक हम लोग व्रत रखेंगे। भूल गए। और यहाँ की वर्क एक्सपीरियंस के बारे में क्या बोलना? वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो अपनी देना चाहे वो दे देता है। अब मैं अंशिका से मिलवाता हूँ, उसका कैसा रहा 10 दिन का एक्सपीरियंस? तो अच्छा, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो 10 दिन काम करके क्या लगता है कि आगे भी अच्छा काम कर सकते हैं हम साथ में? दलाली की जा सकती है, दलाली की जा सकती है, बिना बिना गिल्ट में रह के आप दलाली कर सकते हैं। ओ वाओ, मतलब यहाँ पे जो काम किया हमने फ्रॉड काम किया। हाँ पूरा फ्रॉड काम। एक्सपीरियंस 10 दिन का बताएगी। हेलो खुशी। Hello. तो कैसा लगा 10 दिन हम सारे टीम ने सब ने साथ में मिलकर काम किया? सबने बहुत मेहनत किया, हम लोगों ने तो फील्ड में जा के दौड़ दौड़ के लोगों को पकड़ पकड़ के बात की, ये जो लोग हैं ये घर बैठ करके आराम करते हैं, मैगी बनाते हैं, खाते हैं, ऐस करते हैं, हम आते हैं, हमें पता चलता है ये खत्म हो चुका है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा बाकी लोगों से बातचीत करके। तो मेरे साथ एक और शख्स राहुल जो हमारे काम को बीच में ज्वाइन किया, तो इसके साथ कुछ 5 दिन ही हम लोगों ने काम किया। तो राहुल बताओ क्या रहा हमारे साथ एक्सपीरियंस? बढ़िया फीलिंग थी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर बंदा हूँ तो मेरा ऐसा है किसी के साथ ज़्यादा फ्रैंक होने से पहले मैं उसके साथ बिगाड़ लेता हूँ, बिगाड़ने के बाद ज़्यादा फ्रैंक होता हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके साथ बिगाड़े नहीं उसके बाद फिर मैं डबल फ्रैंक हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हालांकि मैं इनके साथ ज्यादा रहा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत मजा आया, आगे भी मिलते रहेंगे। जितना दिन साथ में वाइब किया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो भी काम करते हैं आराम से सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो ये भी भाई दिल्ली का ही है, जब भी मिलेंगे साथ में दिल्ली और हरियाणा के ठेठ हैं, सिस्टम पाड़ देंगे, जय बाबा की। तो मेरे साथ है खुशी, ये फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग करी है और इसे अच्छे से पता है कि इस इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ जी, मुझे अच्छे से पता है कि विजय राम जी जीत जाएंगे, लगता तो है, चांसेस है, और कभी मौका नहीं मिला इनके साथ जाने का ताकि मैं इनसे भी कुछ सीख पाती और मैं बच गया, थैंक गॉड। और हमारे साथ 10 दिन काम करके कैसा लगा? काफी बढ़िया लगा, मैंने आपके साथ तो कोई काम ही नहीं किया, मतलब जो हम लोग बैडमिंटन खेला जिसमें आपने काफी ज्यादा चीटिंग की मेरे साथ, और मैं क्या बोलूं, और जैसे कि मेरे से कोई इरिटेशन, मैंने कुछ परेशान किया होगा? कोई इरिटेशन, कोई परेशानी, काफी परेशानी नहीं हुई, काफी बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, और आप अच्छे फ्रेंड हो। और ये भी मेरे बिहार से ही है, मेरे नेटिव प्लेस से, बट ये मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा डिस्टेंस। नहीं नहीं, मैं सीतामढ़ी से भी हूँ, मेरा वो विलेज वहाँ पे है, बट मैं रहती मुजफ्फरपुर से हूँ। ओके, तो और कुछ आगे का कुछ फ्यूचर में अगर आगे का, मैं यही सोचती हूँ कि फिर आप कहीं मिले मेरे से और फिर हम लोग साथ में मिले, काम करें, और क्या है। अब हमारे साथ नेक्स्ट राम सर है, तो राम सर बताइए क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता, फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा, इसी तरीके से मेहनत करता रहा तो एक दिन बहुत अच्छी मंजिल को प्राप्त करेगा। धन्यवाद। और राम सर राजस्थान में, तो क्या अगर मैं राजस्थान आऊँ तो हमारा वेलकम करोगे आप? आप कभी भी राजस्थान आना चाहिए, एक बार कॉल कर देना, आपका रहना करना घूमना एकदम पूरा हो जाएगा। इवन आप हिमाचल में भी आप कहीं जाते हो तो एक बार कॉल कर देना, आप वहाँ पर भी व्यवस्था करूँ। हिमाचल हम नेक्स्ट ट्रिप करने वाले हैं तो राम सर को पक्का कॉल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राम सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके भाई, कम टाइम में इतना अच्छा एक्सपीरियंस। हमारा साथ है गुरजन भैया जो कि पंजाब से है, पटियाला से, तो इनसे पूछेंगे। चलो गुरजन भैया, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा 10 दिन का? अच्छा रहा, ये जो लोग मिले हैं ना अभी मिले हैं, मुझे लग रहा है जितना टाइम मैंने काम किया है सबसे अच्छा टाइम ये रहा, और सबसे अच्छे लोग अभी मिले हैं मुझे, और आप लोगों की खासकर हितेश हो गया या जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं अच्छे हैं, और
शायद ये टाइम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। और ये है कि कभी भी आप लोग पंजाब आओ, कोई भी आए, यहाँ जो मिले हैं या पहले भी हमें मिले हैं, तो आप पंजाब आए तो एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए, ज़रूर आपका वेलकम भी किया जाएगा और आपको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जहाँ जहाँ घूमने वाली जगह है आपको घुमाया भी जाएगा पंजाब। ये मंशा है, सबने बोल दिया एकदम कम्फर्टेबली, ये भाग रही है तब से। मंशा देवी, मंशा देवी, अच्छा था सब कुछ, फिर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? अरे यार, अरे पर शर्मा की रही है, शर्माना क्यों है? पहले ये बताओ शर्माने क्या बात है? नहीं मैं नहीं फेस करना कैमरा। क्यों? आगे तेरे को टीवी में काम करना पड़ेगा। मैंने सुना तू मॉडल बनना चाहती है। हाय हाय, हाय हाय, मॉडल कैसे बनेगी तू? वो तो देख, 15 कैमरे होंगे सामने। बोलो बोलो, हो गया। जितना बोलो। अब उनको जानेंगे सचिन, ये भी बिहार से, मुजफ्फरपुर से। तो सचिन कैसा लग रहा है? डाउन टू अर्थ गाइस। हाँ सच में अभी तक ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये मेरी रैगिंग कर रहे हैं, बाकी सीनियर जैसे करते हैं। इस वजह रैगिंग तो मैंने किसी की भी नहीं करी, इस वजह से भी ये बहुत प्यारा लगता है। दूसरी बात ये हमारे पड़ोसी हैं सीतामढ़ी से, तो एक भाई वाला रिश्ता है, कभी कभी मैथिली में बात कर लेते तो अच्छा लगता है। एक बार करिए मैंने। और कुछ बोलना चाहोगे 10 दिन के एक्सपीरियंस? 10 दिनों का एक्सपीरियंस ये है कि भगवान करे कि हम फिर से मिले और फिर से मिलकर ऐसे ही कमाल धमाल मचाए। ओके, और कुछ? और आज के लिए बस गर्दा उड़ाई रहे और गंदे शायरी कुछ सुनाओगे? ना।